हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। सो माय नेम इज़ प्रिया महाजन एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो आज हम बात करेंगे मिसकंसेप्शन अबाउट स्लीपिंग विद योर बेबी, क्योंकि जब भी हम बाहर की कंट्रीज़ का सुनते हैं, हमें ऐसा होता है कि हमें अपने बच्चे के साथ नहीं सोना चाहिए, उनको अलग रूम में सुलाना चाहिए या फिर उनका एक अलग कोट होना चाहिए। इफ़ इट इज़ ट्रू और इफ़ इट इज़ फॉल्स, बट उसके पीछे रीज़न क्या है एंड इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा वो क्यों बोलते हैं? इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली ट्रस्ट दैम, we will know the reason behind, we will know the logic behind it. So let's start the video, and if you like my video then please subscribe to my channel. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कब तक आपको अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं सुलाना है, अलग रूम में नहीं सुलाना है। सबसे पहली बात, जब तक आपका बच्चा 6 मंथ का नहीं हो जाता है, आप उसको अलग रूम में नहीं सुलाइए। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। इमोशनली यू कान डू इट बिकॉज बेबी इज़ वेरी स्मॉल और आप उसको होते ही एक अलग रूम में नहीं सुला सकते हो। सेकेंड रीज़न की जो शुरू के 6 मंथ होते हैं, आपको कंटिन्यूसली फीडिंग करवानी होती है, रात को भी फीड कराना होता है, एंड समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे बहुत धीरे से रोते हैं, उनकी आवाज़ बहुत धीरे होती है। सो यू डोंट नो कि अगर वो अलग कमरे में सोए हैं तो वो रो रहे होंगे। सो दिस इज़ द रीज़न द NHS सेज कि आप अलग रूम में उनको नहीं सुलाइए, बट आप उनको सेम बेड पे नहीं सुला सकते। दिस इज़ अ गाइडलाइन कि ऐसा नहीं है कि आप उनको अपने साथ सुला सकते हो। इसके रीजंस हम आगे जानेंगे कि आप बच्चों को अपने साथ सेम बेड पे क्यों नहीं सुला सकते हो। बट मेक श्योर कि जब तक आपका बच्चा 6 मंथ का नहीं होता है, आप उसको अलग रूम में नहीं सुलाइए, उसका एक अलग बेबी कोट होना चाहिए। एंड बेबी कोट में भी बच्चों को सुलाने के लिए जो है प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, आज हम वो भी शेयर करेंगे। वाई, वी विल आस्क वाई क्वेश्चन, ऐसा क्यों बोलते हैं कि आपको अपने बच्चे को सेम बेड पे नहीं सुलाना चाहिए। नंबर वन रीज़न इज़ कि कई बार ऐसा होता है कि हम सो रहे होते हैं, हम इतना अनकॉन्शियस होते हैं कि हम बच्चे के मुंह पे बाजू ना रख दें या उसके नाक के ऊपर बाजू ना रख दें, जिसके कि उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो। एंड देर वर सो मैनी केसेज ऑफ लाइक सडन डिमाइज डेथ। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिए कि आप बच्चे को सेम रूम में सेम बेड पे नहीं सुला सकते हो, उसका जो बेड है वो अलग होना चाहिए। सेकंड रीज़न, दे स्ट्रिक्टली से कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ड्रिंक करते हैं तो दोनों एक ही दिन में ड्रिंक ना करें। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप दोनों ही अनकॉन्शियस हो और बच्चा रात को रो रहा है या बच्चे को कोई नीड है रात को, सो आप दोनों को ही नहीं पता चलेगा एंड देयर कुड बी सम मिस हैपनिंग। थर्ड रीज़न क्या है कि अगर आपका बच्चा 2 साल का जब तक नहीं हुआ, आप उसके सामने स्मोक ना करिए, या फिर अगर सेम रूम में भी कोई स्मोकिंग कर रहा है, सो यू कैन अवॉइड दैट कि आपके बच्चे के सामने स्मोकिंग ना हो। अब हम बात करते हैं कि जब आप जिस बेबी कोट में आप बच्चे को सुला रहे हो, उस बेबी कोट में आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं। जो बेबी कोट है उसमें ऐसे जो है वो गैप्स होने चाहिए, सो दैट कि एयर भी जो ईजीली है वो सर्कुलेट होती रहे। सेकेंड चीज़, बेबी कोट चारों तरफ से कवर होना चाहिए। ये मैंने आज कवरिंग आप लोगों को दिखाने के लिए उतारी है, सो दैट कि जब आप ऐसे सुलाते हो बच्चे को, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द बेड, कि आप बच्चे को बेड पे सुला रहे हो, दिस इज़ नॉट अलाउड। ये चारों तरफ से कवर होना चाहिए। थर्ड चीज़, जब भी आप बेबी को सुलाइए, बेबी का हेड जो है वो पीछे नहीं होना चाहिए, बेबी की लेग्स जो है वो यहाँ तक टच करिए ताकि बेबी ऐसे सोए। रीज़न इसके पीछे क्या है कि जैसे ही आपका बेबी जो है वो रात को सोता है, वो पीछे पीछे जाता रहेगा एंड देर इज़ चांसेस कि उसका सर बच जाए या कुछ और मिस हैपनिंग हो। सो टू अवॉइड दैट, ऑलवेज मेक श्योर कि आपका बेबी का सर यहाँ तक आए या यहाँ तक आए, सो दैट वो जितना भी पीछे जाए, बट एटलीस्ट वो जो पीछे का बैक है आपकी बगी का, उसको टच ना कर पाए। सो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। फोर्थ चीज़ कि आपको कोई टॉयज़ नहीं इधर, जैसे कई बार ऐसे हमें शौक होता है बेबी कॉट पे जो है हम टॉयज़ लगा देते हैं सो दैट बेबी जो है वो एंटरटेन होगा, बट नहीं, आपको जो है बेबी के स्लीपिंग प्लेस है वहाँ पे कोई भी टॉयज़ नहीं लगाने हैं। दैट कुड बी प्रॉपरली फ्रेश एंड क्लीन सो दैट बेबी जो है वो अच्छे से सो पाए।
अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको बेबी को किस किस कंडीशंस में सुलाना है, लाइक सुलाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जब भी आप अपने बच्चे को सुला रहे हो, रूम का टेम्परेचर जो है वो 23 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब रूम में ज़्यादा भी गर्मी मत करिए कि ठंड है तो रूम बड़ा कोजी है। समटाइम्स क्या होता है, बच्चे को सफोकेशन होती है एंड बच्चा जो है इज़ द लीस्ट पर्सन टू कम्युनिकेट। वो आपको रात को बता नहीं पाएगा कि मुझे प्यास लगी है या मैं क्यों नहीं सो रहा हूँ। सेकेंड थिंग, बच्चे को बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े पहनाइए, लाइक कॉटन के, एंड ऐसा कोई ये नहीं कि रात को ठंड होती है तो विलन के आप स्वेटर्स पहना दीजिए। बहुत ही कंफर्टेबल नाइट सूट होना चाहिए जिससे कि वो आराम से सो पाए। थर्ड चीज़, जो आप उसके ऊपर ब्लैंकेट दे रहे हो दैट कुड बी नॉट सो वॉर्म, जो वो इतना वॉर्म होना चाहिए कि उसकी बॉडी को जो है वॉर्म रख पाए और उसको ठंड ना लगे रात को, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसको सफोकेशन दे। फोर्थ चीज़, जब भी आप बच्चे को रात को सुलाइए उससे एक या दो घंटे से पहले उसको वॉर्म वाटर में बाथ दीजिए। नहाने से क्या होगा, दो आपको बेनिफिट्स होंगे, एक तो बच्चा जो है वो बहुत जल्दी सोएगा एंड वो जो एक साउंड स्लीप में सोएगा उससे क्या होता है, नींद अच्छी आती है। सेकंड थिंग कि अगर उसको रात को गर्मी लगने के कोई चांसेस है वो भी थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं। ये जो थे ये मेन रीजंस थे कि आपको अपने बच्चे को अपने साथ क्यों नहीं सुलाना चाहिए। जैसे ही आपका बच्चा 6 मंथ का होता है देन इट्स अप टू यू कि आप उसको सेम रूम में सुलाना चाहते हो या फिर अलग रूम में सुलाना चाहते हो। बट अगेन, अगर सेम रूम में भी सुला रहे हो फ्रॉम द डे ऑफ बर्थ ऑफ योर चाइल्ड, आपको उसको बेबी कोट में सुलाना है, प्रॉपर उसका अलग प्लेस बनाना है। अगर अलग रूम में भी सुला रहे हो दैट इज़ योर डिसीजन, बट ऐसा कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है कि आपको अपने बच्चे को सिर्फ अलग रूम में ही सुलाना है। आपको अपने बच्चे को बीच में नहीं सुलाना है, अपने बेड पे नहीं सुलाना है। दिस इज़ द गाइडलाइन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द लॉजिक बिहाइंड। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि ओके दिस इज़ द गाइडलाइन, हम फॉलो कर लेते हैं, बट वी शुड प्रॉपरली रीड अबाउट इट। बट जब भी आप किसी चीज़ को मान रहे हो या किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, आप उसके पीछे का प्रॉपर रीज़न जो है वो जानिए, देन दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो मेन यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए हैं दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सडन डिमाइज डेथ ऑफ द किड्स, क्योंकि यहाँ पर लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, ड्रिंक करके जो है कभी हाथ रख देते थे या कुछ भी मिस हैपनिंग्स होती थी, उसके पीछे जो है गवर्नमेंट ने प्रॉपर एक्शन लिए, डॉक्टर्स ने प्रॉपर एक्शन लिए दैट यू कांट स्लीप विद योर किड। किड शुड हैव देयर डिफरेंट स्पेस टू स्लीप और प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो नाउ एंड आई होप कि आपको ये प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो इसे समझ आया होगा एंड यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।